हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SDCTC में। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ BA IRPM ऑनर्स पार्ट वन के सेकंड पेपर के सेकंड चैप्टर का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मदद करेंगे आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, इनका आंसर हमारे आप ब्लॉग पे जाके पा सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप कई सारे स्टूडेंट्स, कई सारे दोस्त, भाई लोग, बहन लोग मेरे को फ़ोन करती है, बोलते हैं कि हमको सजेशन चाहिए, बुक कौन सा होगा। तो देखिए, सबसे अच्छी चीज़ और सबसे अच्छा सजेशन मैं यही देना चाहता हूँ आप सभी को। आप जिस भी कॉलेज से हों, चाहे आप भागलपुर से हो, पटना से हो, या किसी और दूसरे जगह के कॉलेज से हों, तो आपको करना सिर्फ यही है कि आप जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है, आप IRPM जिस कॉलेज में लिए हैं ऑनर्स, वहाँ के टीचर को आप अच्छी बखूबी तरह से जानते होंगे और कॉलेज जाते भी होंगे, तो वहाँ के आप टीचर को मतलब पूछ सकते हैं कि सर कौन सा बुक हम लोग को लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं यहाँ से नहीं किया था ये कोर्स। ठीक है, तो इसीलिए मेरे को आप बार बार करके फ़ोन करके पूछते हैं ऐसे कि कौन सा बुक लें, क्या पढ़ें, तो ये मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ बताता हूँ और उम्मीद करता हूँ यही बस कि आपका एग्ज़ाम में शायद आए। और कई बार होता है क्या है, मैं कुछ काम कर रहा होता हूँ, फ़ोन करके आप लोग मुझे परेशान करते हैं कि ये बता दीजिए, वो बता दीजिए। तो देखिए, प्लीज़ फ़ोन मत किया कीजिए। व्हाट्सएप आपका नंबर जो मैंने दिया हूँ, वो व्हाट्सएप करने के लिए सिर्फ दिया हूँ, आप उसका मिसयूज़ ना करें, मेरे को परेशान ना करें, मुझे और भी काम रहते हैं। ठीक है, तो आइए, वैसे तो इसका फ़ोटो मैं आपको जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दूँगा, कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन मैं इसको अपने डायरी में लिखा हुआ है, मैं उसको दिखाना चाहता हूँ। और इसका आंसर के बारे में आप टेंशन नहीं लीजिएगा, ये हमारे ब्लॉग पे आपको मौजूद हो जाएगा। ठीक है, उपलब्ध हो जाएगा। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, श्रमिक क्षतिपूर्ति, ये देखिए ये पार्ट वन का IRPM ऑनर्स सेकेंड पेपर का। ठीक है, सेकेंड पेपर अपना क्या है, सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल वेलफेयर। ठीक है, ये अपना सेकेंड पेपर है। फर्स्ट पेपर क्या है, श्रमिक से रिलेटेड है। ठीक है, लेबर एंड लेबर वेलफेयर, ये सेकेंड पेपर है अपना, सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल वेलफेयर। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा काफ़ी, वो है श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के मुख्य प्रावधान का वर्णन। ठीक है, डिस्क्राइब द मेन प्रोविजंस ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो होगा, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत दिए गए लाभों की व्याख्या कीजिए। In English, discuss the benefits provided under ESI Act 1948. Okay. Then the third question goes, कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के प्रमुख प्रावधानों का सारांश प्रस्तुत कीजिए। सारांश आपको लिखना है, summarize the provisions of the employees provident fund. ठीक है, employees provident fund and miscellaneous provisions act 1952। ये तीन क्वेश्चन चैप्टर टू से, ठीक है, सेकेंड पेपर के चैप्टर टू से, जो कि सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल वेलफेयर, सामाजिक सुरक्षा एवं समाज कल्याण से रिलेटेड है। ये दो क्वेश्चन, मेरी तीन क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है।